हेलो व्हाट इज अप गाइस। तो हम आज के जब के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से, और जो आज वाली वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रियलमी एक्स डिवाइस है यहाँ पर आपको एक न्यू अपडेट देखने को मिला है। और ये कोई बेसिक अपडेट नहीं है जहाँ पर आपको मतलब कि सिंपल सिक्योरिटी पैच वगैरह दिए हो, काफ़ी ज़्यादा न्यू इंप्रूवमेंट्स किए और कुछ नए फीचर्स भी आए हैं। और आप में से काफ़ी बंदे पूछते कि भाई आप ये बैकग्राउंड बार बार क्यों चेंज कर लेते हो, तो भाई मैं गाँव में रहता हूँ तो यहाँ पर लाइट की थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से मेरे को कभी भी बाहर शूट भी करना पड़ जाता है, तो अभी मैं जैसे बाहर ही शूट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं आपको एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे आप अपने डिवाइस को ओपन करोगे तो जो साइज है वो 451 MB के आसपास की है। तो पहले मैं इसके आपको कुछ जो न्यू फीचर्स आए हैं और कुछ इंप्रूवमेंट्स है वो सारे सारे पर बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नवंबर का जो सिक्योरिटी पैच है लेटेस्ट वो देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स है और जो आपके ब्लूटूथ अलग अलग डिवाइसेज है उनके लिए आपको है ना यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो अलग मिलेगा। मतलब कि पहले कैसा होता था कि आप चाहे तो कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए या फिर कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन, सबका सेम ही साइन आता था, बट अब उसको चेंज कर दिया गया है। और जो सेकंड मेन फीचर है वो स्क्रीनशॉट से रिलेटेड है कि पहले आप मतलब कि जो वर्टिकल स्क्रीनशॉट थे वो ले सकते थे स्क्रॉल करके, अब आप हॉरिजॉन्टल में भी यही सेम फीचर यूज़ कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल में अगर आप कोई पेज वगैरह का स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसको हॉरिजॉन्टल की तरफ आगे मतलब कि लंबा कर सकते हो उसको। और सेकंड है यहाँ पर आपको फिजिकल स्क्रीनशॉट का बटन देखने को मिल जाता है, जस्ट लाइक आपको एमआई वगैरह में जहाँ पर ऊपर टॉगल में देखने को मिलता है वैसे ही आपको जो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हो जो कीज़ है उनका यूज़ ना करते हुए। और ये जो सारे सारे फीचर है यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं सारे सारे नहीं बताऊंगा, मैं जो मेन मेन फीचर है वो सारे सारे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो सुपर पावर सेविंग मोड है वो भी दिया गया है, मतलब कि पहले आपको सिंपल पावर सेविंग मोड मिलता था बट यहाँ पर आपको सुपर पावर सेविंग मोड भी दे दिया गया है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी जो बैटरी है और ज़्यादा आप बचा सको। और कुछ गेस्चर वगैरह ऐड किए गए हैं वो आप देख सकते हो, जो जितने भी गेस्चर वगैरह हैं सिंपली वही हैं। और लास्ट में आपके कुछ जो बग्स थे पीछे वाले अपडेट में वो फिक्स कर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको वीडियो एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत आती जो सो लूप ऐप है उसके अंदर, बट अब फिक्स हो गया है। और यहाँ पर जो स्क्रीन फ्लिकरिंग का था, मतलब कि जो आप अगर एल्बम्स वगैरह ओपन कर लेते थे तो आपकी जो स्क्रीन थी वो फ्लिकर करती थी, वो भी आपकी जो सारी सारी दिक्कत है वो दूर हो जाएंगी। और मतलब कि जितने भी छोटे मोटे मतलब कि आपको बग्स देखने को मिले थे पुराने वाले अपडेट में सारे के सारे यहाँ पर फिक्स कर दिए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं है ना एक बार इस अपडेट को पूरा कंप्लीटली इंस्टॉल कर लेता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद जितने फीचर हैं मैं एक बार उनको यूज़ करके फिर आपको बताता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स वगैरह वो सॉल्व हुई हैं और जो नए फीचर हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो।